नमस्कार, मेरा नाम पूजा सिंह है। मैं स्नातक हूँ। मैंने बीटीसी भी किया हुआ है। मुझे शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 14 वर्षों का अनुभव है। मैं बांदा शहर से बिलोंग करती हूँ। बांदा चित्रकूट के करीब लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर केन नदी के किनारे बसा हुआ है। ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। केन नदी में एक गोमेद नाम का रत्न पाया जाता है, जो बांदा को काफ़ी प्रसिद्ध बनाता है। केन नदी में ही सजर नाम का एक पत्थर पाया जाता है, जिसमें प्राकृतिक रूप से ही प्राकृतिक दृश्य बने रहते हैं। यह कुदरत का एक बेहतरीन ही करिश्मा है। बांदा में अनेक ऐसे पर्यटन स्थल हैं जो बांदा को काफ़ी प्रसिद्ध बनाते हैं, जैसे बांदा का प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर, महेश्वरी देवी मंदिर, प्रसिद्ध खत्री पहाड़ भी यहाँ से नज़दीक ही बसा हुआ है। और नवाब टैंक यहाँ का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। इन्हीं सब नज़ारों के बीच में मेरा स्कूल बसा हुआ है, जिसका नाम है प्राथमिक विद्यालय झील कपुरवा, जो कि क्षेत्र बड़ोखर खुर्द जनपद बांदा में आता है। मेरे विद्यालय में 106 बच्चे नामांकित हैं और सारे बच्चे ग्रामीण परिवेश से ही बिलोंग करते हैं। जब मैं विद्यालय आई तो विद्यालय में काफ़ी सारी ऐसी समस्याएं थी जिनका निराकरण करना मेरे लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी कि मैं इसको कैसे कर पाऊंगी। जैसे विद्यालय में बच्चों की कम उपस्थिति, बच्चों का अध्यापकों से जुड़ाव का न होना, विद्यालय में सौंदर्यीकरण की भी कमी थी, स्टाफ भी कम था बच्चों विद्यालय में, क्योंकि बच्चे तो अधिक थे लेकिन स्टाफ यहाँ पर दो का ही था शुरू से ही। तो हमें काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। हमें सामूहिक क्लासेस भी चलानी पड़ती थी, लेकिन मैं कुछ करना चाहती थी, अपने विद्यालय को एक रोल मॉडल रूप में देखना चाहती थी। इसलिए मुझे वो करना था जिसको शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। तो मुझे इन सब समस्याओं के बीच में, जब मैं सारी समस्याओं से जूझ रही थी, इसी ऊहापोह में लगी हुई थी कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, कैसे अपने विद्यालय को, इसी बीच मुझे श्री अरविंदो सोसाइटी के ZIIEI कार्यक्रम में प्रतिभाग करने का मौका मिला, जिससे मुझे पता चला कि कुछ ऐसे नवाचार भी हैं जिसको करने से मेरा विद्यालय आकर्षक भी बन सकता है और बिना पैसे खर्च किए मैं ऐसे नवाचार भी कर सकती हूँ जिससे मेरे बच्चों को काफ़ी फायदा होगा, जिससे मैं अपने शिक्षण तकनीकियों और गतिविधियों को भी आकर्षक और रोचक बना सकूँगी। मुझे इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के बाद बहुत अधिक फायदा मिला है, जिसे मैं अपने मुझे एक नई ऊर्जा और गति मिली है, जिसको मैं विद्यालय खुलने के उपरांत अपने विद्यालय में अवश्य ही लागू करूंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे इन शिक्षण तकनीकियों और गतिविधियों से बहुत अधिक फायदा मिलेगा और मेरे बच्चे काफ़ी कुछ सीख सकेंगे। मेरे दिमाग में जो भी मैं एक टीचर हूँ और मेरे दिमाग में काफ़ी सारी गतिविधियाँ अक्सर ही चलती रहती हैं, लेकिन उन गतिविधियों को एक नई दिशा देने में श्री अरविंदो सोसाइटी के प्रशिक्षक श्री अमित वर्मा जी का काफ़ी सकारात्मक सहयोग मिला। उन्होंने मेरी शिक्षण तकनीकियों को सुना और समझा और उन्हें एक नया मार्गदर्शन देने का कार्य भी किया है। आज मेरे विद्यालय में जो भी समस्याएं थी, जैसे बच्चों का रोज़ विद्यालय में गंदे होकर ही आना और विद्यालय का सौंदर्यीकरण करना होना, विद्यालय में उपस्थिति का कम होना, तमाम ऐसी समस्याएं थी जो आज मैं काफ़ी समस्याओं को हल कर सकी हूँ। मेरे विद्यालय में काफ़ी सकारात्मक हो गया है, जो मेरा भरपूर सहयोग करता है, और मेरे विद्यालय में सौंदर्यीकरण भी भरपूर है। विद्यालय मेरा सारी अवस्थापना सुविधाओं से भी संतृप्त हो चुका है। मेरी विद्यालय में एक भयमुक्त वातावरण आज की डेट में बन चुका है और छात्र नामांकन की स्थिति भी काफ़ी सुधर चुकी है। मैं अपने विद्यालय को एक रोल मॉडल स्कूल के रूप में देखती हूँ, क्योंकि जो पहले की स्थिति थी और जो आज की स्थिति है, उसको सिर्फ विद्यालय का स्टाफ ही नहीं बल्कि अभिभावक समूह और SMC के सदस्य भी पहचानते और जानते हैं, काफ़ी तारीफ भी करते हैं। इसलिए मैं अपने विद्यालय को एक रोल मॉडल स्कूल
मानती हूँ। अंत में मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक को यह मंच प्रदान करने के लिए धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद।